इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी जो कि वायनाड से सांसद हैं, उनकी सदस्यता संसद भवन से रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद लोकसभा से राहुल गांधी अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। लोकसभा सचिवालय से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, राहुल गांधी समेत कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। लोकसभा सचिवालय से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी जो कि केरल के वायनाड से सांसद थे, उनकी सदस्यता संसद से रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, मानहानि केस में 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी जो केरल के वायनाड से सांसद थे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा के सांसद अब राहुल गांधी नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब राहुल गांधी लोकसभा के सांसद नहीं हैं। इसी खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा है, राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से रद्द कर दी गई है, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। सभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी पीसी त्रिपाठी की सिग्नेचर से जारी हुए जो लेटर है, उसमें साफ लिखा गया है कि जो मानहानि केस में जो राहुल गांधी दोषी करार दिए हैं, उनको 2 साल की जो सजा हुई, उसको देखते हुए जो नियम है, जो संविधान में नियम है, उसके आधार पर इनकी सदस्यता निरस्त की जाती है। हालांकि जो मामला है पूरा कर्नाटक के बेंगलुरु में कोलार में एक सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का जो सरनेम है वो मोदी के होता है, इसी को लेकर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मोदी सरनेम के लोगों ने कंप्लेन किया था, शिकायतें दर्ज कराई थी, हर स्टेट में सुनवाइयां चल रही है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात से भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री पुरेश मोदी ने कंप्लेन दर्ज कराया था और कंप्लेन दर्ज होने के बाद और कल देखेंगे, कल उस पर फाइनली सुनवाई हुआ और सूरत की सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। अब 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कल 2 साल की सजा सुनाई गई और जो प्रावधान है कि अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा किसी भी जनप्रतिनिधि को होती है, वो किसी भी पार्लियामेंट का, किसी भी पंचायत का मेंबर हो, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी और 6 सालों तक उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, जिस तरीके से कल सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और आज लोकसभा की ओर से, लोकसभा सेक्रेटरियट की ओर से जो पत्र जारी किया गया है, उसमें उनकी सदस्यता चली गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। देखेंगे कि वायनाड से सांसद थे, करीब 4 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। अगर प्रथम जीत की बात करें तो जो नरेंद्र मोदी है बनारस काशी से, जो सांसद, उनका संसदीय क्षेत्र है, दूसरी बार वहां से उन्होंने जीत हासिल की है। तो उनके बाद अगर किसी का वोटों की संख्या आती है कि भारी वोटों से जीत की, तो वायनाड से राहुल गांधी की आती है। हालांकि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी से दोनों जगह से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और अमेठी जो है उनका पारंपरिक सीट हुआ करती थी, लेकिन स्मृति ईरानी पिछली बार भी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें शिकस्त दी थी। लेकिन इस बार 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े, लेकिन अमेठी उनको हाथ से निकलता दिखाई दिया और जो स्मृति ईरानी है वो जीत हासिल की। हालांकि पारंपरिक सीट जाने के बाद से भी कई चर्चाएं आई, क्योंकि आप देखेंगे नेहरू परिवार का जो रायबरेली और अमेठी सीट है वो पारंपरिक रहा है और रायबरेली से सोनिया गांधी हमेशा से चुनाव लड़ती आ रही है और अमेठी सीट से राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग भी चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार जो अमेठी अभी उनका चला गया और वायनाड से उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन अब मानहानि के केस में उनको सजा होने के बाद अब उनकी सदस्यता भी जा चुकी है। ऐसे में एक तरह से हम कह सकते हैं कांग्रेस परिवार के सामने बड़ा संकट गहराता दिख रहा है, बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि आप देखेंगे जिस
तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर यात्रा थी उसे तय किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा चली लगभग, आप देखेंगे कि यात्रा जो अभी 26 जनवरी को खत्म हुई जम्मू कश्मीर में, तो एक तरह से हम कहेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की कर रहे थे, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब एक झटका उनको लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि अब वो लोकसभा की पंचायत में हिस्सा नहीं ले सकते। जो अपनी बातें सदन में कहनी चाहिए, जो सदन में अपनी बातें रखनी चाहिए, वो बातें अब नहीं रख सकते। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कांग्रेस परिवार के लिए एक बड़ा झटका है, राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है और संगठन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि देखेंगे जिस तरीके से कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद 30 दिनों का समय दिया था राहुल गांधी को कि वो इस फैसले के खिलाफ, सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 दिनों के भीतर वो हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी तक किसी भी तरह का कोई अपील दायर नहीं किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी के लिए क्या समस्याएं बढ़ने वाली हैं? देखिए, कोई भी अगर सजा जब होती है किसी भी केस में, छोटा केस हो या बड़ा केस हो, न्यायपालिका सबके लिए एक है, कोई स्पेशल नहीं होता है, आयुष आप भी जानते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी के हम मसले पे बात करें, तो राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई, तो अपील उच्च सदन में अपील करने को सबको मौका मिलता है, तो उसी तरह से राहुल गांधी को भी 30 दिनों का मौका मिला है। वो अपने जो विधिक सलाहकार होंगे उनसे जानकारी ले रहे होंगे, उनसे राय मशवरा कर रहे होंगे, उसके बाद वो उच्च न्यायालयों में जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से उनपे केसेस दर्ज है, बिहार में केसेस दर्ज है, झारखंड में भी मोदी नाम के एक अधिवक्ता जो हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने दर्ज कराया है, सिविल कोर्ट में मामला चल रहा था, हालांकि हाई कोर्ट उस पर स्टे लगा कर रखा है कि कोई पीड़ित कार्रवाई नहीं की जाए, तो ये सारी चीजों को लेकर उनका मामला चल रहा है। पूरे राज्य के लगभग अधिकतर स्टेटों में पूरी तरीके से जो कहे कि मोदी टाइटल के लोगों ने FIR दर्ज कराया है और उस पर सुनवाई चल रही है, तो हो सकता है इन सारी चीजों को लेकर वो अपने विधिक सलाहकारों से अच्छी तरीके से मंतव्य ले रहे हैं, मंतव्य लेने के बाद वो हाई कोर्ट का रुख करें। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अब जो उनका हाई कोर्ट का रुख होगा, सूरत की जो सेशन कोर्ट है वहां उन्होंने उनको सजा सुनाई गई, तो गुजरात हाई कोर्ट में ही वो केस फाइल करेंगे, तो सारी चीजों को मंतव्य करें। हो सकता है कि सारे केसों को लेकर एक बार वो पिटीशन बना रहे होंगे, एक बार उसको सुनवाई की अपील चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है कि वो विधिक सलाहकार उन्हें दे कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर विशेष सुनवाई की जाए और पूरे केस को स्टडी करके खत्म किया जाए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक तरह से हम कहेंगे कि राहुल गांधी की मुश्किलें बड़ी है आयुष, क्योंकि सदस्यता जाना एक बड़ी समस्या खड़ी होगी गांधी परिवार के सामने, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे 2023 का वर्ष चल रहा है और 2024 के मई तक लोकसभा का चुनाव हो जाना है, तो वैसे में आप देखेंगे समय एक साल से कम का फासला है, दिसंबर माह से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, कैंपेनिंग प्रचार स्टार्ट हो जाती है, और राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा से ही एक तरह से कहेंगे 2024 को लेकर तैयारी शुरू कर देते हैं, और आने वाले समय में 5 स्टेटों में चुनाव भी होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्यप्रदेश, तो ये राज्य भी है, इन सारे राज्यों को भी राहुल गांधी को देखना होगा, कांग्रेस को देखना होगा। लेकिन अब इनकी सदस्यता जाने के बाद और इनको एक तरह से कहें कि इनको सजा सुनाए जाने के बाद क्या जनता का रुख होता है, देश की जनता किस मूड में है, देश की जनता इस सजा और इस सदस्यता जाने को किस तरीके से लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी, और इसे कांग्रेस की तरीके से भुला पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि राहुल गांधी और जो कांग्रेस परिवार है उसकी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई। राहुल गांधी को सजा हुई, 2 साल की सजा हुई, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, लेकिन सजा सुनाने के बाद झारखंड प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की अगर बात करें, तो जिस तरह से कल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा था कि हम माफी नहीं मांगेंगे, इस तरह की बयानबाजी जो है अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान हो जाती है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस कहीं से भी इसे अपनी गलती नहीं मान रही है? देखिये, राजनीतिक भाषणों में या रैलियों में आप देखेंगे तो इस तरह की भाषाओं का प्रयोग होता है और बातें हमेशा होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 में। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब उनकी लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें मतलब राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति एग्रेसिव होकर और मतलब एक तरीके से दिशाहीनता के शिकार हो गए, वो जी
और परिपक्व राजनीतिक के रूप में उन्होंने अपने भावनाओं को कई बार प्रकट किया है। एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय राजनीतिक दल है और ऐसे दल के नेता कई बार इन्होंने जो अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण किया है वो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये दिशाहीनता के शिकार हैं। कभी कभी अपने अल्प बुद्धि का भी ये परिचय दे देते हैं। तो राजनीति में इन्होंने जो किया है वही रिजल्ट आया है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है जी। और यहाँ लोकतंत्र जो है सिस्टम से चलता है, जो संघीय संस्थान है वो अपना काम करती है। तो राहुल गांधी जी पर जो हुआ है स्वाभाविक हुआ है, इसमें कोई आश्चर्य आप कह रहे हैं कि जो हुआ है स्वाभाविक हुआ है। इधर कांग्रेस नेताओं की अगर बात करें तो वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि अक्सर इस तरह की बयानबाजी चुनाव प्रचार के दौरान हो जाती है और कह रहे हैं कि इस पूरे फैसले को चैलेंज करने के लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लोग स्वाभाविक रूप से जाएं, उनको जाना है, स्वतंत्र है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उनको जाने से कोई मना नहीं किया है। लेकिन वो जो बोल रहे हैं कि चुनाव में हो जाता है, कई ऐसे दल हैं इस देश में, स्थापित दल हैं, जिनके बड़े बड़े नेता भी भाषण देते हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी हल्की फुल्की बयानबाजी और बातें प्रस्तुतिकरण करते हैं अपनी बातों को, वैसा कभी अखिल भारतीय स्तर का कोई नेता को हम लोगों ने तो नहीं देखा है। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या उनके जो छुटभैये नेता लोग अब कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम, वो उनका अधिकार है, जाना भी चाहिए उनको, कौन रोका है। जी, अगर बयानबाजी की बात करें, आपने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं की ओर से बयानबाजी इस तरह की नहीं होती। अगर बंगाल इलेक्शन की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से ममता बनर्जी को संबोधित किया था दीदी बोलकर, इस पर भी काफी आलोचना हुई थी, ये भी पसंद नहीं आया था ममता भाई। उनको तो जाना चाहिए था कोर्ट ना, ममता दीदी के लोगों को जाना चाहिए था, कहां नरेंद्र मोदी जी ने मना किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ वैसा वक्तव्य दिया होगा, अपभ्रंश बोला होगा, तो उनको जाना चाहिए। निर्णय तो मेरा का नाम, ये लोकतांत्रिक देश है भारत, यहाँ सबको स्वतंत्रता है। और रही कि चुनाव में अपनी बातों को कितना रखना है, उसकी एक मर्यादा है, गरिमा है। राहुल गांधी अपनी मर्यादा को कई बार लांघ चुके हैं जी। हालांकि एक बार नहीं, हालांकि कई बार इन्होंने लांघा है। अगर उस बयान की बात करें जो 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो उन्होंने दिया था, कि उन्होंने कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने संबोधित करते हुए बकायदा कहा था कि ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, ये सभी चोर हैं। तो उन्होंने वो दो सच में जो चोर हैं, पैसे चुरा कर देश का भागे हैं, उसको लेकर कह रहे थे। भाई साहब, ये देश में कौन चोर है 1947 से लेकर अब तक। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अविनेश जी। हमारे साथ आलोक दुबे, कांग्रेस नेता आलोक दुबे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ राजेश ठाकुर, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड के, वो जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेवन में। कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा है, राहुल गांधी की सदस्यता आज रद्द कर दी गई है, कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा झटका है? अरे कोई झटका नहीं है, झटका अडानी के लिए है, ये जो तानाशाह केंद्र की सरकार है उनके लिए है। झटके पे झटका उनको लगता जा रहा है और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ये बताना चाहिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई, उस पर अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? कहीं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का कोई छापा पड़ा क्या? घबराहट में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं और वो लेने का काम कर रहे हैं वो लोग। हम कोई झटका नहीं खा रहे, हम झटका देने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा झटका देश की जनता देने जा रही है शायद इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितनी तेज गति से आए थे उतनी ही तेज गति से उड़ जाएंगे। जारी जो है अडानी की देश पर भारी पड़ रही है और उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि अडानी मुद्दे की बात हो या अन्य कोई और मुद्दे की बात हो, राजेश जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि संसद का जो सत्र होता है, जो कार्यवाही होती है, वह जनसरोकार की बातों के लिए होती है। ये ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं एक अवरोधक बन रहे थे इस बार की कार्यवाही में। नहीं, देखिए, सत्ता का के पक्ष के बारे में अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देश और दुनिया जान रही है कि किस तरह का भारत के लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, जो संविधान का निर्माण किया था, शायद उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि संविधान क्या इस तरह मजाक उड़ाया जाएगा। हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को चकनाचूर नहीं होने देंगे।
हमने देश बनाया है, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह की अडानी कंपनी काम करना चाहती है और उसके इशारे पे पूरे देश के सत्ता पक्ष के लोग घूम रहे हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज को कुंद करना चाहते हैं। पूरे देश, पूरा देश अपनी नंगी निगाहों से देख रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ क्या हो रहा है और इसका बदला जनता आने वाला समय में। हालांकि देखिए, विपक्ष एकजुटता की बात चल रही थी, इस बीच कांग्रेस नेता वायनाड सांसद राहुल गांधी को इतना बड़ा झटका लगा है, क्या विपक्ष एकजुटता में कहीं किसी तरह की खलल पड़ने वाली है? नहीं, आपने कल देखा ना, जैसे ही आदरणीय राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई, उसी वक्त सीधे तुरंत से आदरणीय केजरीवाल जी ने अपनी बात को रखने का काम किया जी, अखिलेश जी ने रखने का काम किया, पूरे देश के विपक्ष के लोग इस बात को लेकर के आगे बढ़कर के आए, तो विपक्षी एकता को तो और मजबूती मिलेगी। ये समझिए कि जो केंद्र की सरकार है, जो मोदी सरकार है, उन्होंने अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया है जी। एक आखिरी सवाल, अब क्या कांग्रेस पूरी तरह से हल्ला बोलने वाली है केंद्र के खिलाफ इस मसले को लेकर? देखिए, हम तो हल्ला बोलते रहेंगे इस मसले को लेकर के नहीं, जो अडानी की यारी देश पर भारी पड़ रही है और जिसमें ये चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात साबित हो रही है, क्यों इतने घबराए हुए हैं जी, क्या है? अरे जेपीसी की मांग कर रहे थे आदरणीय राहुल गांधी जी, उसको दे देने में क्या दिक्कत थी? आपके भी सांसद होते, हमारे भी सांसद होते, क्यों आप इतना घबरा रहे हैं? देश की जनता जवाब मांग रही है और उनको देना ही पड़ेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लंबी लड़ाई लड़ेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेंगे जी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। ये थे राजेश ठाकुर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। हम बता दें अपने दर्शकों को कि लगातार कांग्रेस हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, केरल से वायनाड के सांसद थे राहुल गांधी। आपको बता दें कि मानहानि केस में फैसला सुनाने के बाद राहुल गांधी को 30 दिनों का समय मिला था कि वो हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी किसी तरह का कोई भी चैलेंज या फिर ऐसा कोई भी अपील देखने को नहीं मिला। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, हमने राजेश ठाकुर से बात की, उन्होंने कहा कि अभी लड़ाई लंबी चलने वाली है। उन्होंने कहा कि ये करके केंद्र सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है, क्या इससे लग रहा है, क्या कुछ मायने हैं, क्या कांग्रेस का नजरिया होने वाला है और कांग्रेस का क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है या कह सकते हैं मानहानि केस में जो उनको सजा सुनाई गई है, एक चीज आप देख सकते हैं कि मानहानि केस बहुत ऐसा बड़ा केस नहीं होता है और इसको लेकर अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि न्यायिक प्रणाली जो है, मोदी की जो केंद्र की सरकार है उसे अपने बस में कर लेने का काम किया है, लोकतंत्र अब पूरी तरीके से खतरे में चला गया। देखिए, अब विवाद कहां से उठता है। हमारे साथ किशुन दास सिमरिया से बीजेपी विधायक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। किशुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेवन में। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है, राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी जी। हम माननीय राहुल गांधी जी को सुझाव देना चाहेंगे कि देश की सभ्यता संस्कृति और कानून के हिसाब से भविष्य में अपनी बातों को रखने का काम करेंगे, यही सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि प्रजातांत्रिक देश में न्यायालय का राजपाट चलता है जी। इस प्रकार अस्पताल अव्यवहारिक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कहीं से भी ठीक नहीं है, या कोर्ट का चूंकि निर्णय है, कोर्ट का सबको सम्मान करना चाहिए। हालांकि ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं किशुन जी, कि कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने को लेकर पूरी तरह से हाथ पैर धोकर बीजेपी कांग्रेस के पीछे पड़ गई है कि किसी तरह से मुद्दे को भटकाया जाए और अडानी मुद्दे पर चर्चा देश में ना हो, ये आरोप है कांग्रेस का। कांग्रेस कुछ भी कह सकते हैं, वो स्वतंत्र है जी, लेकिन इस जो स्वच्छता वाली मामला है,
इस पर भाजपा को कोई लेना देना नहीं है, या विशुद्ध रूप से न्यायालय का मामला है जी, और इस पर ज्यादा टिप्पणी करना भी सही नहीं है। तो आखिरकार जब संसद में सवाल उठाए जाते हैं तो बीजेपी सांसदों की ओर से किसी तरह का कोई बयान अडानी मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आता? क्योंकि कांग्रेस तो यही कह रही है कि जो भी कार्रवाइयां देश में हो रही हैं वो अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। न्यायालय के ऊपर हम लोग हैं कि न्यायालय के नीचे हम लोग हैं जी? न्यायालय तो सर्वोपरि है जी, सर्वोपरि है न्यायालय बिल्कुल। हम उन पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। न्यायालय ने जो फैसला दिया है विशेष रूप से उनके क्षेत्राधिकार का मामला है और न्यायालय का आदेश है, सबको सम्मान करना चाहिए जी बिल्कुल जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किशुन दास जी। ये थे बीजेपी विधायक किशुन दास, जिन्होंने अपनी बातें रखी इस पूरे मुद्दे को लेकर। अब कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। बीजेपी जहां एक तरफ कह रही है राहुल कि जैसी करनी वैसी भरनी, कांग्रेस का कहना है कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। हालांकि जवाब पूरी तरह से साफ तौर पर कहीं से नहीं आ रहा है। देखो, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई है और जिस तरीके से उन्हें दोषी करार दिया गया है, उसके बाद से कांग्रेस फ्रंट फुट पे आकर खेलना स्टार्ट कर दी है। और आप देखेंगे इससे कुछ दिन पहले ही जो अडानी का मुद्दा है राहुल गांधी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, सदन में भी उसे उठाया, और उस मुद्दे को उठाए जाने के बाद से लगातार देश में एक चर्चा का विषय बन गया था कि जो अडानी है, अडानी के जो शेयरों में अचानक बढ़ोतरी हुई और उसके बाद एक रिपोर्ट आती है और शेयर धड़ाक से कहेंगे कि नीचे गिर जाते हैं, 100% से अधिक जो है कि नीचे आ जाते हैं। उसके बाद लगातार ये चर्चाएं होने लगी, क्या अडानी भी दिवालिया हो जाएंगे, देश में देश के कई बैंक करप्ट हो जाएंगे, इन सारी चीजों को लेकर चर्चाएं जब देश में होने लगी। के रिपोर्ट के अनुसार तो ये साफ तौर पर झलक रहा है कि जो निवेशक हैं अडानी के, उनको तो घाटा लगातार होते ही जा रहा है। इस पर क्यों नहीं जवाब दे रही है बीजेपी? देखिए, इस पर जवाब बीजेपी का देना नहीं देना बीजेपी पे डिपेंड करता है। हालांकि लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदन के अंदर ये बातें लगातार उठती रही है कि प्रधानमंत्री इस पर खुद जवाब दे। हालांकि जिस कमेटी की बात कही जा रही है कि पीसीसी कमेटी बना दी जाए और उस कमेटी बनाकर उसकी जांच कराइए, तो कमेटी बन गई है, अब उसमें जांच में क्या निकल के आएगा देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अब जिस संस्था का आपने नाम लिया, जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अब वो संस्था फिर से दावा कर रही है कि एक नई रिपोर्ट हम जल्द ही लाने वाले हैं और नई रिपोर्ट में कई चीजें सामने निकल कर आएंगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि नई रिपोर्ट जो आती है उसमें क्या कुछ होगा। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से जब से राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया उसके बाद से कांग्रेस पूरी तरीके से जोश में है, फ्रंट फुट पे है और लगातार कहते आ रही है कि कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी है। कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हें भी 9 साल की सजा हुई थी। इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दिया, जो राजीव गांधी है राहुल गांधी के जो पिता है, उन्होंने देश के लिए शहादत दिया। उसी तरह देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, महंगाई, लाचारी, बेकारी को लेकर राहुल गांधी को शहादत देना पड़ रहा है, उनको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, उन्हें साजिश की तरह फंसाकर उनको प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ये कार्रवाई के बाद, सजा सुनाने के बाद राहुल गांधी को विपक्ष एकजुट होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने भी केंद्र के खिलाफ हमला बोला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला और कई ऐसे नेता हैं जो केंद्र के खिलाफ लगातार इस मुद्दे पर हल्ला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को दोषी करार दे रही है। अब देखेंगे आप जिस तरीके से राहुल गांधी को कल सेशन कोर्ट में सजा सुनाया, उसके बाद आप देखेंगे कि शरद पवार की अध्यक्षता में महाराष्ट्र में बैठक हुई, उनके आवास पे ही बैठक हुई, विपक्षी दल के नेता वहां पे पहुंचे थे। उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उनसे राहुल गांधी से मुलाकात की बात कही कि हम मिलेंगे और उनके हम साथ हैं। उसके अलावा अब देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कार्रवाई ठीक नहीं है, इस तरह के जो सजा सुनाई गई है, जो दोषी करार दिया गया है, वो ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देखेंगे जितने भी राजनीतिक दल है, विपक्षी दल है, वो
अभी राहुल गांधी के साथ है, समर्थन में है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस इसे सही मांग रही है, समर्थन मांग रही, तो कह सकते हैं कि विपक्षियों को हो सकता है कि एकजुट हो। हालांकि ईडी और सीबीआई के मामले को लेकर जो है विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें एक याचिका दायर की है और उस पर सुनवाई भी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का भी डेट दिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो विपक्षी दल है पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रहे हैं और लगातार एक कोशिश में लगे हैं कि जिस तरीके से नेताओं को केसेस में फंसाया जा रहा है, जो आरोप है कि नेताओं को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, उन्हें सजा कराई जा रही है, इन सारी चीजों को लेकर बातें कर रहे हैं और इसे पूरी तरीके से निपटाने की कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं। जो हमने बताया कि ईडी और सीबीआई को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है उसमें 5 अप्रैल को सुनवाई होनी है, आयुष विपक्षी दल उसमें पार्टी है, केंद्र सरकार को पार्टी बनाया है, उनका कहना है कि ईडी और सीबीआई का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इन सारी चीजों के बीच आप देखें कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवार के लिए एक गंभीर चोट, एक गंभीर दर्द है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इसे ले रही है, जिस तरीके से कांग्रेस बयां कर रही है, उसे भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरफ से फायदा मिलेगा, क्योंकि अब विपक्षियों को एकजुट होने का एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बहाना मिल सकता है, क्योंकि राहुल गांधी अब पीएम कैंडिडेट भी नहीं हो सकते। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर लोकसभा की सदस्यता चली गई और 6 सालों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते तो ऐसे में वो पीएम के कैंडिडेट नहीं हो सकते। जब कैंडिडेट नहीं होंगे तो विपक्षी एकजुट होंगे और कोशिश करेंगे कि हम एकजुट हो और पीएम कैंडिडेट विपक्ष का कोई नेता घोषित हो सके। हमारे साथ नमन विक्सल कोंगाड़ी, कांग्रेस विधायक, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमन विक्सल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 पर। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये सबसे बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था की हत्या है जी। और मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी और हमारे माननीय राहुल गांधी जी न किसी से डरे हैं, न डरेंगे। और इस घटना के बाद हम और मजबूती से आएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम और मजबूती प्रदान करेंगे और यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, इस पहचान को हम मिटने किसी भी कीमत पर नहीं देंगे और इससे हम कहीं भी कोई हतोत्साहित नहीं है जी। सीधे तौर पर एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि अगला स्टेप कांग्रेस का क्या होने वाला, अगला एक्शन कांग्रेस का क्या होने वाला इस पूरे मुद्दे को लेकर? निश्चित तौर पर इसका हम विरोध रोड तक करेंगे जी, और हर जनता के युवा तक इसको पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमन विक्सल जी। ये थे नमन विक्सल कोंगाड़ी, कांग्रेस विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम विरोध करेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे और जनता तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए थे। राहुल, आपने जो जानकारियां दी बेहद अहम थी और इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से अपने बातों को रखा, जिस तरह से जानकारियां दी, जिस तरह से तथ्यों को पेश किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है और राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं रहे हैं। हमने कई नेताओं से प्रतिक्रिया ली। बीजेपी का कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कांग्रेस का कहना है कि अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सब खेल रचा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 300 दिन, लगभग 300 दिन ही बचे हैं अगले लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता जाना ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है ये देखने वाली बात होगी और कांग्रेस का भी क्या एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है। ये फैसला अचंभित करने वाला है और ये लगता है कि लगातार जो इनका प्रयास था कि आदरणीय राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ नहीं बोले और सदन में उनको बोलने से रोका जा रहा था, अब ये जो लोकसभा की कार्रवाई हुई है इससे प्रतीत होता है कि
ये लोग लोकसभा में नहीं बोलना देना चाहते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि हम सदन में नहीं सड़क पे अपनी बात को रखेंगे। और जनता जानना चाहती है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है और जो अडानी के घोटाले हैं उससे देश के लोगों का पैसा कितना जा रहा है और कितना डूब रहा है। तो ऐसे में हम सब पूरी तरह से तैयार हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ पूरे शिद्दत के साथ खड़े हैं, और जो उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी वो काफ़ी केंद्र सरकार को महंगी पड़ने वाली है। और जिस तरह की कवायद की गई है हम समझते हैं निंदनीय है, इससे ओछी हरकत शायद हिंदुस्तान की राजनीति में पहले कभी नहीं हुई, और ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है। देखिए, आपने देखा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस लगातार उग्र है, आक्रोशित है इस पूरे मामले को लेकर। राहुल गांधी की सदस्यता संसद से जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस का अगला एक्शन क्या होने वाला है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 7। नमस्कार।